टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। मुंबई में तूफानी बारिश से पूरी तरह मुंबई हुई ठप, सड़कें पानी में डूब गई हैं। यातायात पर तूफानी बारिश का भी असर पड़ा है। पिछले दो दिन से लगातार मूसलाधार बारिश मुंबई महाराष्ट्र में हो रही थी, लेकिन बुधवार यानी आज तूफानी बारिश ने मुंबई के हर इलाके में कहर बरपा दी है। कहीं पर सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं तो कहीं पर नाले के ऊपर से पानी बह रहा है, तो वहीं कहीं सोसाइटियों में चालियों में यानी झोपड़पट्टी जो चालियां हैं उसमें जो है पानी भर गया है। और मुंब्रा के रसीद कंपाउंड नसीम अपार्टमेंट बिल्डिंग में लगे बाम्बू गिर गया। रिपेयरिंग करने के लिए बाम्बू लगाया गया था, तेज बारिश की वजह से बाम्बू गिर गया है और आज पूरा मुंबई थम सी गई है यानी ठप हो गई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें तस्वीर में कैसे सड़कें पानी में डूब गई हैं। हम आपको बता दें, भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई महानगर, टीएमसी, भिवंडी, नवी मुंबई, रायगढ़ व अन्य राज्यों के कुछ इलाकों को बुधवार को रेड अलर्ट जारी किया था। वहीं आज मुंबई, ठाणे, पालघर, नासिक, भिवंडी के लिए भी बुधवार गुरुवार को चेतावनी जारी की थी। मंगलवार को मुंबई और उपनगरीय इलाकों के पटरी पर पानी भरने की वजह से लोकल ट्रेन सेवाएं स्थगित रही हैं। इस तूफानी बारिश की वजह से उत्तरी मुंबई के गोराई तट से करीब 12 किलोमीटर दूर समुद्र में नौका डूबने से दो मछुआरे लापता हो गए, जबकि 11 लोगों को बचा लिया गया है। ठाणे में पूरी रात हुई भारी बारिश की वजह से बिजली के खंभे में आए करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मध्य रेलवे के प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी ने बताया, वडाला और परेल उपनगरों में जल भराव की वजह से प्रमुख लाइन और हार्बर लाइन की सेवाएं निलंबित कर दिया गया है। ठाणे तथा कल्याण से आगे सेवाएं जारी रहेंगी। तो मौसम विभाग की चेतावनी है, आप लोग इस तूफानी बारिश में घर से बाहर न निकले, सावधान रहे। मैं अलग अलग मुंबई के हर इलाके की जो है आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आप देखिए किस तरह से जो है पानी भर गया है, गाड़ियां किस तरह से फंस गई हैं, सोसाइटी में किस तरह से पानी भर गया है, लोग कितना जो है बेचैन है, परेशान है। तो मौसम विभाग की चेतावनी है, आप लोग इस तूफानी बारिश में घर से बाहर न निकलें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और वाहन लेकर घर से बाहर न निकलें खास करके, वरना उनके सामने संकट का पहाड़ टूट सकता है, क्योंकि मुंबई के चारों तरफ पानी ही पानी है, सड़कें नदियां बन गई हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।